मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा, और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। एक तरफ राजेंद्र पाल गौतम ये शपथ दिलवा रहे थे, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ माहौल बना रहे थे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे, उनके अस्तित्व पर उंगली उठा रहे थे, उन्हें कभी न मानने की बात कर रहे थे। हालांकि उनके इस कृत्य से माहौल और ज्यादा न बिगड़े, इसे संभालते हुए केजरीवाल ने इस्तीफा तो उनसे मांग लिया है, लेकिन अब राजेंद्र पाल गौतम को मानो जवाब देने का समय आ गया है। राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं की बात कर रहे थे और उसके बाद हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या, जिस पर बीजेपी सांसद का गुस्सा भड़क गया। जिस तरह से लोगों को भड़काने का काम राजेंद्र पाल गौतम ने किया, उस पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की मांग कर डाली है जो हिंदुओं की हत्या करते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। उनके बहिष्कार को लेकर बीजेपी सांसद ने जो बयान दिया है वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। रविवार को विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली की सुंदर नगरी में एक हिंदू युवक मनीष की हत्या के विरोध में कार्यक्रम विराट हिंदू सभा का आयोजन किया था। इसमें बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि मनीष की हत्या जिहादी तत्वों के कारण हुई है। प्रवेश वर्मा ने कहा, मनीष की हत्या कोई साधारण घटना नहीं है, जब तक सारे हिंदू एकजुट नहीं होते तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। जिहादी तत्व दिल्ली में ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां उनकी सरकार है। ऐसे लोगों को हिंदू और पुलिस चाहे तो 24 घंटे में सबक सिखा सकते हैं। प्रवेश वर्मा ने हिंदुओं से जिहादियों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ये रेहड़ियां लगा रहे हैं, लोगों को इनकी रेहड़ियों से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मछली की दुकानें और रेस्टोरों खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है ऐसी दुकानों को बंद कराने की जरूरत है। जहां भी ये लोग दिखाई दे इनका बहिष्कार करो। प्रवेश वर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, अगर इनका दिमाग और तबीयत ठीक करनी है तो उसका एक ही इलाज है और वो है संपूर्ण बहिष्कार। प्रवेश वर्मा ने जनता से अपील की कि वो विशेष समुदाय की दुकानों से सब्जियां खरीदना बंद करें, इनसे कोई सामान न खरीदे और इनको किसी भी प्रकार की मजदूरी न दें। इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो तो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। वहीं जब बीजेपी सांसद की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया तो मानो कांग्रेस तो इस पर बीजेपी पर हमलावर होने का मौका ही ढूंढ रही थी। प्रवेश वर्मा के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा, ये बीजेपी सांसद मंच से खुलेआम मुसलमानों के पूर्ण बहिष्कार की मांग कर रहे हैं, नफरत भड़काने के लिए इनकी जगह जेल में है। मीटिंग सरकारी अनुमति पुलिस की मौजूदगी में हुई, दिल्ली पुलिस कब एक्शन लेगी, मोदी जी कब तक ऐसे नफरत फैलाते रहेंगे। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने उल्टा सुप्रिया श्रीनेत पर ही सवाल दागना शुरू कर दिया। सनातनी नाम की यूजर ने लिखा, क्यों कर रहा है वो तो बोलो। वही उपद्रवी नाशक ने तो सिर्फ तन से जुदा पर जवाब मांग लिया है, पूछा है इस पे कब मुंह खुलेगा। जनक महाराजा ने भी जोधपुर राजस्थान में सिर्फ तन से जुदा पर जवाब मांगा है। ज्योति शाह ने लिखा, वो तो कुछ भी नहीं है मैडम, ये तो निर्मम हत्याओं की बात कर रहा है। मदन सिंह ने लिखा, आपसे ना हो पाएगा, देश को दंगे के आग में झोंकने वाली कांग्रेस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये तुष्टिकरण और आतंकी को संरक्षण देने वाली पार्टी है, ये देश से जितना शीघ्र खत्म होगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। मतलब साफ है कि लोगों का सवाल कांग्रेस से ये है कि सिर्फ बहिष्कार करने की बात पर कांग्रेस की प्रवक्ता
मैडम सीधा मोदी तक से सवाल पूछ ले रही हैं। वहीं सिर तन से जुदा के सवाल पर इनके मुंह में दही जम जाती है। वहीं AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया गया कुछ भी गलत ओवैसी को नहीं दिखता। हाँ, लेकिन प्रवेश वर्मा की बहिष्कार वाली बात इनको खासा चुभ गई, वो भी तब जब उनके पास इसके लिए ठोस वजह भी थी। मनीष की बेरहमी से हत्या मुख्य वजह है, लेकिन ओवैसी ने प्रवेश वर्मा के वायरल वीडियो पर कहा, भाजपा RSS का सांसद देश की राजधानी में खुली सभा में मुसलमानों का बहिष्कार करने की शपथ ले रहा है। RSS के मोहन ने कहा था, मुसलमानों में झूठ फैलाया जा रहा है। सच तो ये है कि BJP ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। दिल्ली CM और अमित शाह दोनों ने चुप्पी साध ली है। वहीं वर्मा से जब उनके वायरल वीडियो के बाबत सवाल किया गया तो उनका कहना था, उन्होंने किसी धार्मिक समुदाय का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा, मैंने जो कहा वो ये था कि जिन परिवारों के सदस्य इस तरह की हत्याएं करते हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसे परिवार यदि कोई रेस्टोरेंट या कोई व्यवसाय चलाते हैं तो उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र में भी इस तरह के अपराध हुए हैं, ऐसे मामलों में उनके व्यवसाय का बहिष्कार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा ने अपने बयान को राजधानी में पिछले हफ्ते सुंदर नगरी में बेरहमी से हुई मनीष की हत्या से जोड़ दिया। मनीष पर 20 से ज्यादा बार चाकू से वार किया गया। इस मामले में 6 लोगों की पहचान की गई है और सब उस विशेष समुदाय से आते हैं जिनके बारे में बात की जा रही थी। हमला करने वालों में साजिद, आलम, फैजान, मोहसिन और शाकिर का नाम है। पुलिस ने घटना को पुरानी रंजिश करार दिया है, लेकिन इस बेरहमी से हत्या का क्या जवाब है? वैसे आप BJP सांसद प्रवेश वर्मा के बयान को कैसे देखते हैं? आपकी नजर में प्रवेश वर्मा ने क्या गलत कहा और क्या सही? क्या प्रवेश वर्मा ने किसी भी लिहाज से कुछ भी गलत कहा है? सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि जब हिंदुओं के लिए इस तरह से बातें की जाती हैं, हिंदुओं के खिलाफ बातें क्या, उनका तो सिर तन से जुदा कर दिया जाता है, तब ये विरोधी दल कौन से बिल में छुपे होते हैं? तब ये विरोधी दल मुंह क्यों नहीं खोलते? आप नेता ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, हिंदू देवी देवताओं को कभी न पूजने का प्रण दिलवाया, तब ये सब तथा कथित सबका हित सोचने वाले लोग कहां थे? वैसे प्रवेश वर्मा के दिए बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और चलते चलते एक बार फिर सुनिए कि हिंदू युवक मनीष की बेरहमी से हत्या पर BJP सांसद प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा। इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है।